टॉपिक है सोर्सेज ऑफ एरर। एक रिसर्च रिपोर्ट में आने वाली एरर्स के सोर्सेज के बारे में हम इस पीपीटी में पढ़ेंगे। एक रिसर्च प्रोजेक्ट में हम कई सारे क्वेश्चन के साथ अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, हर एक स्टेप को ध्यान से करते हैं, लेकिन फिर भी कई सारी एरर्स आ जाती हैं। एरर्स यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो फाइनल कंक्लूजन में है उसमें कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। तो एरर्स क्या हैं? रिसर्च रिपोर्ट में आने वाली गलतियां जिनका इफेक्ट हमारे फाइनल कंक्लूजन पे पड़ता है। अब ये एरर्स जो हैं रिसर्च रिपोर्ट की, वो दो तरीके की हो सकती हैं, सैम्पलिंग एरर्स एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। एरर क्या होती है? टोटल एरर का मतलब ये है कि आपकी रिसर्च रिपोर्ट का कंक्लूजन कितना डेविएट करता है रियलिटी से। कुछ क्वेश्चन को लेकर आपने अपनी रिसर्च रिपोर्ट स्टार्ट करी थी, कुछ प्रॉब्लम को लेकर आपने रिसर्च रिपोर्ट स्टार्ट करी थी, लेकिन जो एंड रिजल्ट आया वो रियलिटी के से कुछ दूर है। अब ये जो डेविएशन है, ये जो डिफरेंस आता है रियलिटी में और ऑब्जर्व डेटा के बीच में, वो डिफरेंस आता है एरर्स की वजह से, और वही आपकी टोटल एरर कहलाती है रिसर्च के केस में। और इससे पहले जो हमने सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर देखी थी, उन्हीं को मिलाकर आपकी टोटल एरर बनती है। ठीक है, तो सैम्पलिंग एरर्स प्लस नॉन सैम्पलिंग एरर्स का समेशन ही आपकी टोटल एरर है, जो कि आपके रिसर्च रिपोर्ट के कंक्लूजन में कुछ कमियां ले आता है। हम देखेंगे सैम्पलिंग एरर्स। सैम्पलिंग एरर्स वो एरर्स हैं जो हमारी सैम्पलिंग के प्रोसेस के दौरान आती हैं। सैम्पलिंग क्या है? जैसे हम पहले की पीपीटीज में भी डिस्कस कर चुके हैं कि पूरी पॉपुलेशन का एक साथ रिसर्च कंडक्ट करना डिफिकल्ट है, तो हम पूरी पॉपुलेशन में से एक सेक्शन निकाल लेते हैं जिसे हम सैम्पल कहते हैं, और उसी सैम्पल पे हम अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं और ये मान लेते हैं कि सेम वही कंक्लूजन पूरी पॉपुलेशन का भी होगा। तो वो सैम्पल, जो टेक्निक, जो मेथड्स हमने यूज कर रहे हैं उस सैम्पल को बनाने में, उस प्रोसेस में, उन टेक्निक्स में जो कमियां रह गई हैं उनकी वजह से हमारी सैम्पलिंग एरर्स आती हैं। ठीक है, तो सैम्पलिंग एरर किन चीजों पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स यानी कि होल पॉपुलेशन। होल पॉपुलेशन यानी कि जो रिसर्च हम कंडक्ट करना चाह रहे हैं उसके अंदर आ सकने वाले सारे एलिमेंट्स को मिला के हम यूनिवर्स कहते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी भी टीचिंग मेथडोलॉजी का कोई नई टीचिंग मेथडोलॉजी आई है, उसको चेक करना है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के ऊपर, तो जिस भी सिटी के अंदर हम चेक कर रहे हैं, तो उस सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे यूनिवर्स कहलाएंगे उस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए। तो आपका यूनिवर्स फॉर द रिसर्च कैसा है उस पे सैम्पलिंग एरर डिपेंड करती है। फिर टेक्निक, जो भी टेक्निक आपने सैम्पलिंग के लिए यानी कि सैम्पल बनाने के लिए जो भी टेक्निक आपने यूज करी है, उसकी वजह से भी कोई ना कोई एरर आ सकती है। अब सैम्पलिंग एरर भी फर्दर बाइफर्केशन है इनका, बायस्ड एरर्स एंड अनबायस्ड एरर्स। बायस्ड एरर्स क्या हैं? बायस्ड एरर्स कब अराइज होती हैं? ये अराइज होती हैं हमारी रिसर्चर की बायसनेस या किसी तरीके के प्रेजुडिस की वजह से। यानी कि अगर रिसर्चर किसी तरीके की पार्शियलिटी कर रहा है इन सेलेक्टिंग द सैम्पल, सैम्पल बनाने में उसने किसी तरीके की पार्शियलिटी या अपनी पर्सनल चॉइस यूज करी है, तो उसकी वजह से ये एरर्स आ सकती हैं। अगर उसे सेलेक्ट, अगर कोई रिसर्च कंडक्ट करनी है, उसे सैंपल बनाना है, तो उसने कन्वीनियंटली जो उसे लोग इजीली मिल सकते हैं सिर्फ उनको इंक्लूड कर लिया सैंपल में, तो इसकी वजह से भी बायसनेस आ सकती है, क्योंकि कन्वीनियंटली मिलने वाले लोग कोई जरूरी नहीं है सही इंफॉर्मेशन दे पाए आपके एक्चुअल टॉपिक से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे दिया है फॉल्टी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, मतलब रिसर्चर अगर गलत तरीके से सैंपल सेलेक्ट करे, से सपोज उसने कोई सैंपल बनाया है जिसमें हाउसेस का सर्वे हो रहा है, डिफरेंट एक कॉलोनी के अंदर हाउसेस का किसी भी तरीके का सर्वे है, तो उसने 11th हाउस को भी इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन 11th हाउस में कोई रहता नहीं है, वो वेकेंट है, तो ये फॉल्टी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन होगा।
देन फॉल्टी कलेक्शन ऑफ डेटा. फॉल्टी कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब ये है कि सैम्पलिंग का जो फ्रेम है या जो यूनिवर्स है वो ही सही से डिफाइन नहीं है, पॉपुलेशन को ही सही से डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो उस वजह से आपका जो डेटा है वो गलत कलेक्ट हो सकता है. देन फॉल्टी एनालिसिस. एनालिसिस के समय पे भी जब आपको डेटा मिल चुका है उसका आपको इंटरप्रिटेशन करना है, तो ये रिसर्चर के पार्ट पे आएंगी ये एरर्स, और इनको हम बायस्ड एरर्स कहेंगे, जो रिसर्चर खुद से कमिट करता है और जिनको कुछ हद तक रिड्यूस भी किया जा सकता है. अनबायस्ड एरर्स, यहाँ पर रिसर्चर की किसी भी तरीके की बायसिंग नहीं है, फिर भी डिफरेंस आ रहा है. क्यों आ रहा है? क्योंकि जो एलिमेंट्स हमने इंक्लूड किए हुए हैं सैंपल के अंदर उनके व्यूज़ में, और जो सैंपल में इंक्लूड नहीं किए हैं उनके व्यूज़ में, जिसकी वजह से एरर्स आ जाती हैं. जो सैंपल रिसर्चर ने बहुत ही ध्यान से बनाया है, सारी टेक्निक को अच्छी तरह से यूज़ करके बनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे आ सकते हैं सैंपल में जो आपको सही डेटा ना दे पाए, तो जिस वजह से आपकी अनबायस्ड एरर आ सकती है. ये एक तरीके की अनअवॉइडेबल एरर है, इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द सैंपल. जितना बड़ा आप सैंपल का साइज रखेंगे उतना ही अनबायस्ड एरर के कम होने के चांसेस होंगे, क्योंकि अगर आपने सिर्फ 10 ही लोग ले लिए, अब उसमें से 7 लोग ऐसे हैं जो सही इंफॉर्मेशन दे ही नहीं पा रहे हैं, तो आपकी एरर्स बढ़ जाएंगी. लेकिन आप अगर 50 का सैंपल साइज ले रहे हैं, उसमें से 7 या 8 लोग नहीं भी दे पा रहे हैं सही से इंफॉर्मेशन, तो तब भी कुछ हद तक आपके जो कंक्लूजन है वो सही आने के चांसेस हैं. की दूसरी तरीके की एरर्स होती हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स. ये सैम्पलिंग की टेक्निक्स के अलावा किन्हीं और रीजंस की वजह से आती हैं, जैसे कि सैम्पलिंग एरर्स में हमारा स्केल में सिलेक्शन में गलती हो गई, या हमने डेटा गलत तरीके से कलेक्ट किया, या एडिटिंग गलत करी, या कोडिंग या टेबुलेशन गलत करी, तो वो सैम्पलिंग एरर होती हैं. लेकिन इनके अलावा अगर किसी रीजन की वजह से हमारी एरर आती है तो वो नॉन सैम्पलिंग एरर है, और ये दो तरीके की होती हैं, रिस्पॉन्स एरर्स एंड नॉन रिस्पॉन्स एरर्स. एरर्स में से जो हमारी फर्स्ट एरर है रिस्पॉन्स एरर, ये क्यों आती है? ये तब आती है जब या तो रेस्पोंडेंट इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहा है, या रिसर्चर के थ्रू वो गलत तरीके से रिकॉर्ड हो गई है. वन इज रिसर्चर एरर, जब रिसर्चर गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन कर दे और उसको रिकॉर्ड कर ले. देन इंटरव्यूअर एरर, जो इंटरव्यूअर है, जो भी क्वेश्चनियर भरवा रहा है, जो भी इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, वो जो सैंपल में सेलेक्टेड एलिमेंट है उसकी जगह किसी और का ऑब्जर्वेशन कर ले, तो उस वजह से आपकी एरर आ सकती है. देन इज रेस्पोंडेंट एरर, जब रेस्पोंडेंट करेक्ट आंसर देने में अनेबल है, या तो वो इमोशनली अनस्टेबल है या वो देना ही नहीं चाहता है, तो ये रेस्पोंडेंट के पार्ट पे आने वाली एरर्स हैं. तो ये हैं आपकी रेस्पॉन्स एरर्स ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर. तरीके की नॉन सैम्पलिंग एरर्स होती हैं नॉन रेस्पॉन्स एरर, जो रेस्पोंडेंट्स के रिस्पॉन्ड ना करने की वजह से अराइज होती हैं. कभी कभी ये है कि आपने गलत तरीके से रेस्पोंडेंट को लोकेट कर दिया, जो आपके सैंपल में था आपने उसको ना लेके किसी और से क्वेश्चनेयर फिल करवा लिया या फिर इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया, तो उस पर्सन के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा. इसी तरीके से कभी कभार विलिंग ही नहीं है, यानी कि वो चाहता ही नहीं है इन्फॉर्मेशन देना, तो कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपका क्वेश्चनियर बिना रिस्पॉन्स के आपको मिल सकता है, उस कंडीशन में आपकी नॉन रिस्पॉन्स एरर्स आ जाती हैं. आपके रिसर्च रिपोर्ट में आने वाली एरर्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं. व्हाट आर द पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ बायस इन अ सैंपल सर्वे? आपको बताना है कि एक सैंपल सर्वे में आने वाली कौन कौन से सोर्सेज ऑफ बायस है. हाउ कैन ए रिसर्चर रिड्यूस सैम्पलिंग एरर्स? इन सैम्पलिंग एरर्स को, जो अभी इससे पहले हमने एक्सप्लेन करी थी, जो कि सैंपल को सेलेक्ट करते वक्त जो गलतियां रह जाती हैं उनको किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है. देन सेकेंड क्वेश्चन, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर्स एंड हाउ कैन देयर इम्पैक्ट ऑन रिसर्च रिजल्ट्स बी डिमिनिश्ड.
जो नॉन सैम्पलिंग एरर्स हैं उनकी वजह से आने वाले इम्पैक्ट को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को आपको सोचना है और तैयार करना है।